हे एवरीवन, दिस इज लखन। और आज के स्टूडियो में वापस बात करने वाले हैं अपन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, कि बहुत सारे बच्चे बार बार अभी भी यही पूछ रहे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा नाम लिखा हुआ है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, हमारे पिताजी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर पूरा का पूरा नाम ही सेंज है, मम्मी का नाम कुछ और है और मम्मी के डॉक्यूमेंट में ही अलग है और हमारे सभी डॉक्यूमेंट में एक समान है। तो इस प्रकार से बहुत सारे बच्चों की अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में उससे रिलेटेड सारी बातचीत कर लेते हैं। और भी कोई जानकारी रह जाती है किसी नाम से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई है वहाँ पर आप मेल कर सकते हो। और उससे भी बेहतरीन तरीका ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम सेल का लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके फॉलो करके मैसेज डाल देना। दोस्तों क्या है कि आप लोग फॉलो करते नहीं और डायरेक्ट मैसेज डाल देते हो, जिससे क्या होता है कि वो हिडन मैसेज में चला जाता है और जिसकी वजह से मैं वहाँ पर देख नहीं पाता हूँ। तो अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो आप लोग फॉलो करके ही मैसेज डाल दें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर का बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन मैं आपके पास में पहुंचाए और उससे आपको वो वीडियो देख के काफ़ी हेल्प हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते कि भाई आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या करना चाहिए। तो छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। जैसा कि आपने कहीं पर सुना होगा कि बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम आ जाती है, पैसे भेजते हैं उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से नहीं आते, तो ये काफ़ी मेजर मिस्टेक हो जाती है बाद में, ठीक है ना। तो जितना हो सके सबसे पहले तो अगर आप किसी छोटी क्लास में पढ़ रहे हो, जैसे बोर्ड क्लास नहीं है उससे छोटी क्लास है, तो फिक्स आपको आगे बोर्ड क्लास के अंदर एच जी टीज आपके बाकी वाले डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही लिखना है, ठीक है। हमें सही इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अब कभी कभी बोर्ड के दस्तावेज में ही मिस्टेक से आपके नाम में थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है, स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट समय रहते उसको चेंज करवा देना है, ठीक है। चेंज करवाने के लिए आप लोग जो बोर्ड की मार्कशीट है तो आपके बोर्ड से संपर्क कर सकते हो, जैसे राजस्थान से हो तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से वहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको डुप्लीकेट मार्कशीट वगैरह तो आपके नज़दीकी जो आपका डाइट बोल सकते हैं वहाँ पर मिल जाएगी, नज़दीकी जो आपका मेन केंद्र है वहाँ पर मिल जाएगी, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको करेक्शन करवाना है तो आपके बोर्ड पे ही जाना आपका होगा। अब क्या है कि कुछ जो स्टेट हैं वहाँ पर तो ऑनलाइन करेक्शन का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन कहीं कहीं ऑनलाइन करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उसके बारे में आपके अलग अलग स्टेट की अलग अलग प्रक्रिया होती है, तो वहाँ पर आप जाके करेक्शन करवा सकते हो। अब मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन एम यही है कि आपके छोटी छोटी अगर स्पेलिंग मिस्टेक है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यानी गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको चाहिए कि भाई इससे क्या क्या मिस्टेक हो सकती है, तो दोस्तों अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक है तो आप एफिडेविट बना दीजिए, चल जाएगा। लेकिन अगर आपको हर बार अलग अलग गवर्नमेंट जॉब के लिए एफिडेविट बनाने की ज़रूरत पड़े, उससे बेहतर है आप लोग एक बार करेक्शन करवा दीजिए, समय आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये आपके करियर की बात है, ठीक है। तो जितना हो सके करेक्शन करवाने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं करवा सकते आपके पास में समय बिल्कुल कम है, एफिडेविट बना दीजिए, चल जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अगर एफिडेविट कभी कभी क्या होता है कि ध्यान नहीं देते अपन, एफिडेविट नहीं लेके जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको समय दे दिया जाएगा कि वापस आपका री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और तब तक आप या तो एफिडेविट लेके आओ या फिर करेक्शन करवा के आओ, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब ये है कि आपके पिताजी के डॉक्यूमेंट में उनका नाम अलग है और आपके डॉक्यूमेंट में अलग है, लेकिन आपके सभी डॉक्यूमेंट के अंदर नाम अगर सेम है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है ना। आपके सभी डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पिताजी का नाम सेम है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उनके खुद के डॉक्यूमेंट में अलग है और आपके सभी डॉक्यूमेंट में अलग है लेकिन सभी डॉक्यूमेंट में एक समान नाम है, ठीक है। जैसे आपके पिताजी का नाम अगर हरखा राम हो गया, ठीक है, तो आपके सभी डॉक्यूमेंट में हरखा राम ही है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम टाइप आपके आपका जो नाम है वो भी आपके सभी डॉक्यूमेंट में एक समान होना चाहिए। अब कभी कभी क्या कहते हैं, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हमारे आधार कार्ड में नाम थोड़ा सा अलग है और बाकी जो डॉक्यूमेंट में उनमें थोड़ा अलग है, तो यार आधार कार्ड में नॉर्मली आप करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। ओबीसी में तो उसमें भी करेक्शन, सॉरी
कास्ट सर्टिफिकेट जिसे अपन बोलते हैं, उसमें भी आप करेक्शन करवा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है, ठीक है ना। आप लोगों को थोड़ा सा इसके रिलेटेड ध्यान देना पड़ता है, देना सही है, क्योंकि दोस्तों अपन एक अपना एम होता है उसको हासिल करने के लिए ही कभी कभी एक राह का रोड़ा बन सकती है, ठीक है ना। और सेम टाइप आपके अगर मम्मी का नाम आपके डॉक्यूमेंट में लगे और उनके डॉक्यूमेंट में लगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके सभी डॉक्यूमेंट में नाम से होना सही, ठीक। और स्पेलिंग मिस्टेक एफिडेविट से काम चल जाएगा। और आपको छोटी मोटी आपको लगता है कि भाई मेरे जो मम्मी के डॉक्यूमेंट में उनमें अलग है और मेरे सभी डॉक्यूमेंट में मम्मी का नाम तो एक समान है लेकिन मम्मी के डॉक्यूमेंट से अलग है, तो एक छोटा सा एफिडेविट वहाँ पर भी बना दीजिए। अगर आपको कहीं पर भी मिस्टेक फील हो रही है कि भाई यहाँ पर मुझे आगे प्रॉब्लम आ सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, एफिडेविट बना के साथ में लेके चले जाइए, ठीक है। मांगेंगे दे देना, नहीं मांगेंगे कोई बात नहीं यार, 40-50-60 रुपये या 100 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगने वाले। अब दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि भाई एफिडेविट क्या होता है, कहाँ पर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये एक बोलते हैं इसको अपन शपथ पत्र होता है, एफिडेविट को शपथ पत्र ही बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपके एडवोकेट नोटेरी एडवोकेट होते हैं ना उनके पास में मिल जाएगा। तो आपके जो यहाँ पर कोर्ट नज़दीक में हो कोई भी, तो वहाँ पर वकील बैठते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगी। या फिर तहसील के अंदर भी कुछ वकील बैठते हैं तो वो भी बना के दे देंगे, ठीक है। वहाँ पर जाना है आपको, बताना है कि ये मिस्टेक है, तो वो अपने आप आपको एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए कि भाई मुझे एफिडेविट के रिलेटेड और भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे उससे रिलेटेड भी वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा और आपके लिए कितना हेल्पफुल हुआ। और भी किसी के बारे में अपडेट चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पर आप लोग मैसेज डाल देना, जिससे आपका भाई वहाँ पर आपको इंस्टेंट रिप्लाई देगा। और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हौसला बढ़ाने के लिए आपके दोस्त का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्त मिलते हैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो के साथ, जय हिंद।